जय माता दी। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य सुनील बर्मला, एस्टोसिस टीवी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्ष 2021 कैसा गुजरने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि की। कैरियर की दृष्टि से देखा जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए यौ साल सामान्य रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत से ही कर्म क्षेत्र में राहु के होने से आपको कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस साल कार्य से संबंधित आपको शत्रु पक्ष भी आपके ऊपर हैवी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको कार्य से संबंधित शत्रु आपको परेशान भी कर सकते हैं। इसलिए सचेत और सावधान रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु का कर्म क्षेत्र में होना और छठे भाव में बृहस्पति और शनि का स्थित होना आपके लिए कहीं ना कहीं से शत्रु पक्ष प्रभावशील आपके ऊपर बन सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं से आप अपने कॉन्फिडेंस, अपनी व्हील पावर को बनाकर रखें, दब के काम ना करें। जितना हो सके अपने को सामान्य बनाकर रखें, अपने शब्दों पर भी विशेषकर ध्यान देना चाहिए। यदि आप व्यापार या अपना खुद का काम कर रहे हैं तो इस समय बड़े बुजुर्गों का सलाह लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साल आपके लिए ग्रह व्यापार की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। इसलिए आप जितना हो सके अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह से यदि आप काम प्रारंभ करना जा रहे हैं या कार्य अपना बिजनेस कर रहे हैं तो सचेत और सावधान होकर अपने बुजुर्गों की सलाह लें। निसंदेह आपका यह साल अच्छा जाएगा। परंतु मैं आपको बता देता हूँ, यदि कोई भी नौकरी चाकरी कर रहा व्यक्ति सितंबर माह के बाद उनका समय अच्छा हो सकता है। इसलिए सितंबर माह साल के प्रारंभ से लेके और सितंबर माह तक आप सचेत और सावधान रहें, यही आपके लिए भलाई होगी। सितंबर माह के बाद आपकी पत्रिका आपकी राशि के अनुसार आपके अच्छे योग बनते हैं, साथ ही आपके प्रमोशन के भी योग बनते हैं। नई जॉब की तलाश कर रहे जातकों के लिए भी सितंबर माह के बाद वर्ष अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह साल आपके लिए शुरुआती से ही सामान्य रहने वाला है। कहीं ना कहीं खर्चों की तंगी से आप अपने को तनावग्रस्त भी कर सकते हैं, परंतु जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। परंतु जितना हो सके निवेश करने से अपने धन को बचाने की कोशिश करें, किसी फालतू चीज़ों पर निवेश ना करें। खासकर प्रॉपर्टी संबंधित आप निवेश करना चाहते हैं या नया व्यापार करना चाह रहे हैं तो इस समय निवेश ना करें। खास कर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मई तक अपने निवेश करने से बचें। मई के बाद की अपना व्यापार करना चाह रहे हैं तो उस पर निवेश कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी संबंधित या भूमि भवन संबंधित आप निवेश करना चाहते हैं, खर्चा करना चाहते हैं उस पर, तो आप उसके बाद कर सकते हैं। परंतु अपने ही काम पे करें। यदि किसी के साथ पार्टनरशिप में आप व्यापार या बिजनेस करने जा रहे हैं तो वहाँ पर निवेश ना करें, सावधान और सचेत रहें। कहीं ना कहीं आपको आर्थिक स्थिति में आपको धोखाधड़ी का भी योग बन सकता है। सितंबर माह के बाद आपके लिए आर्थिक स्थिति में सुधार दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको धन लाभ मिलेगा। जो आप आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से आपको आराम मिलेगा। निसंदेह कि यानी कि साल का अंत आर्थिक स्थिति के लिए आपके लिए अच्छा जाने वाला है। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह साल आपके लिए भी मिश्रित होने वाला है। शुरुआती पक्ष कहीं ना कहीं से आपके लिए मेहनत यानी कि आपको परिश्रम करना पड़ सकता है, यानी कि इस समय जनवरी से लेके और अप्रैल तक आपका समय अनुकूल रह सकता है। मई से लेके सितंबर तक समय शिक्षा या पढ़ाई लिखाई कर रहे छात्रों के लिए आपके प्रतिकूल रहेगा, परंतु उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए शनिदेव कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा ले सकता है, यानी कि आपको मेहनत करना पड़ सकता है। यदि आप कोई परीक्षा देना चाहते हैं या कहीं प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको साल का अंत सफलता दे सकता है। उच्च स्तरीय परीक्षा यानी कि IAS PCS लेवल की आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो निसंदेह के साल का सितंबर से लेके और दिसंबर यानी कि साल के अंत तक आपको इसका परिणाम अच्छा मिल सकता है। अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं में संलग्न होकर अपना एकाग्रचित होकर अपनी परीक्षा की तैयारी करें, मेहनत अवश्य है। स्वास्थ्य की बात करें तो यह साल आपके लिए मिला जुला जाने वाला है, क्योंकि साल की ही शुरुआत से आपके छठे यानी कि रोग भावों में शनि और बृहस्पति की युति होने से कहीं ना कहीं आपको बार बार परेशान कर सकता है। पुराने रोग उभर सकते हैं, आंत या गुर्दे संबंधित परेशानियां भी आपको छू सकती है, यानी कि समिति आपको ये परेशानियां दिख रही है तो निसंदेह होकर जितने जल्दी हो सके डॉक्टरी परामर्श लें। सितंबर के बाद कहने का आपको स्वास्थ्य में आराम मिलेगा, यानी कि साल के प्रारंभ से कहने का आपको स्वास्थ्य परेशानियां दिखेगी, परंतु साल का अंत स्वास्थ्य से लेके आपको अच्छे परिणाम देने में आपकी मदद करेगा। यहाँ पर एक चीज़ विशेषकर ध्यान दें, जितना हो सके अपने खान पान पर विशेषकर ध्यान दें, इसमें ही आपके लिए भलाई होगी। खान पान ना छोड़ें, जितना हो सके बाहरी खान पान से आप दूरियाँ बना के चलें। आंत या गुर्दे से संबंधित परेशानी आपको दिखती है तो उससे डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह साल आपके लिए खुशहाल जाने वाला है, क्योंकि इस साल आपकी राशि के अनुसार
चौथे घर पे केतु का होना आपके लिए फलीभूत रहेगा। साथ ही में छठे भाव में बैठे हुए बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपकी कुटुंब भाव में पड़ती है, जो कि और भी आपके पारिवारिक जीवन में मधुरता लाएगा, मिठास लाएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके कुटुंब भाव में एक अच्छे योग बना के दृष्टि देखता है, जो कि आपके पारिवारिक जीवन के लिए पुराने बिगड़े हुए रिश्तों में मधुरता लाएगा। यानी कि जो पुराने आपके लिए कोर्ट कचहरी केस चल रहे हैं या विवाद चल रहे थे, खासकर कोर्ट कचहरी केसों से संबंधित, ये आपको सुलझाने की पूरी मदद करेगा। यानी कि आपके पुराने केसों से आपको छुटकारा मिल सकता है, पुराने विवादों से आपको दूर कर सकता है और परिवार को संजोने में आपको पूरा सहयोग करेगा। यानी कि पारिवारिक जीवन से देखा जाए तो आपके लिए यह साल अच्छा जाने वाला है। खासकर इस दौरान माता के स्वास्थ्य का ध्यान दें, क्योंकि माता के स्वास्थ्य में कहने कैसे परेशानियाँ आपको दिख सकती है। सिर्फ यही चीज़ है कि एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखा नेगेटिविटी दिखाई देती है कि माता के स्वास्थ्य में परेशानियाँ आपको देखने को मिलेगी, अदरवाइज परिवार का पूर्ण सुख और पूर्ण सहयोग आपको मिलने में आपका यह साल आपकी पूरी मदद कर रहा है। यानी कि बृहस्पति आपकी पूरी मदद कर रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह साल आपके लिए सामान्य जाने वाला है। साल की शुरुआत में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत स्थितियाँ सुधरती हुई दिखेगी, कोर्ट कचहरी केसों से आपको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन के बीच में जो कोर्ट कचहरी इत्यादि का जो केस चल रहा है, यानी कि पुराने विवाद चल रहे हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। विशेषकर ध्यान दें, अप्रैल से लेकर सितंबर माह तक आपको सावधानी बरतनी पड़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों के बीच में मतभेद या पुरानी बातें उमड़ सकती है। इस दौरान आप अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने प्यार को यदि जितना हो सके आप मिला कर चलेंगे तो आपके लिए यह साल अच्छा जाने वाला है, क्योंकि शुरुआती पक्ष आपके लिए मजबूत दिखाई देता है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके पुराने विवाद से आपको सुलझने में आपके ग्रह सहयोग करेंगे। खासकर आपकी पत्रिका में शनि और बृहस्पति आपको सुलझाने के लिए पूर्ण सहयोग करेंगे। जो मैंने कहा कि बृहस्पति आपकी हेल्प कर सकता है, आपके कोर्ट कचहरी केसों से आपको मुक्ति दिला सकता है और आप दोनों के जीवन को एक मंगलमय बना सकता है। सितंबर के बाद साल का अंत आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं जो आपके लिए अंदर चल रहे मन मिटाव या एक दूसरे पे जो चल रहे बाहरी समस्याओं के कारण, उनसे भी आपको छुटकारा या निजात मिल सकता है। दूसरी बात करें, इस समय प्यार प्रेम करने वाले जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। जो इस समय विवाह के बारे में सोच रहे हैं या जिनका विवाह में विलंब हो रहा है, उनका विवाह इस साल संपन्न होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि मई के बाद इस टाइम पे चल रहे प्रेम जोड़ों के लिए समय अच्छा रहेगा। साथ ही में जिनके दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पा रहा है या विवाह में दिक्कतें या विवाह नहीं हो पा रहा है, तो स्वाभाविक है कि मई के बाद उनका विवाह भी होने जा रहा है। नए जोड़े की तलाश कर रहे हैं इस टाइम पे, जो नए मार्ग पे चलना चाहते हैं या अपने जीवन साथी को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम संबंधित रास्तों पे प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए इस टाइम पे नए जोड़ा मिलना भी स्वाभाविक है। यानी कि जो आपकी इस टाइम पे प्रेम का सौगात आपको मिलने वाला है, यह साल का अंत प्रेम संबंधित जातकों के लिए एक दाम्पत्य जीवन के रूप में बंधनों में बांधने का भी पूर्ण योग करेगा। जानते हैं इस साल क्या करें सिंह राशि वाले उपाय, जो कि अपने जीवन को समृद्ध बना सके। इस साल सिंह राशि वाले जातक भगवान सूर्य की निरंतर पूजा करें, भगवान सूर्य को गेहूं डालकर जल अर्पित अवश्य करें। साथ ही में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाह रहे हैं तो और भी आपके लिए सोने में सुहाग वाला काम होगा। यानी कि आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अवश्य करें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, गेहूँ आप दान कर सकते हैं, 1.25 किलो गेहूँ अपने ऊपर से वार कर आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं या किसी के गरीब को भी आप दान कर सकते हैं। इन उपाय को करके यह साल आपके लिए अच्छा साबित होता हुआ मुझे दिखाई देता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। साथ ही में आप यदि हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे vartha.astrosage.com पर आप अपनी संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात, प्यार पैसा परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।